भाई मैंने जय जगन्नाथ और मेरा जितने भी हिंदी भाई हैं सबको 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 जय जगन्नाथ। प्रभु की दया से मैं भी मस्त हूँ और आप लोग सब मस्ती में रहो। मेरा R15 का वो मैं दोनों व्हील का कलर चेंज करवाया था। मेरा पिछले वाला व्हील का कलर लाल ही था, मतलब जब मैं खरीदा था उन्होंने कलर पहले से लाल रखा था। अभी मैं आगे वाला कभी चेंज करवाया हूँ और पीछे वाले को दूसरी बार मैं कलर करवाया हूँ। आज उसी के बारे में ही बात करते हैं और मैं कलर कितने रुपए का लिया और मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ वो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को चालू करते हैं जो भी है, नहीं तो आपको पता ही है फिर आप लोग बोलने लगोगे वीडियो चालू हुआ नहीं और इसकी बकचोदी चालू होगी। थोड़ा कम बकचोदी करते हैं और वीडियो चालू करते हैं। एक्चुअली मेरा पीछे वाला टायर खरीद के रखा था फ्लिपकार्ट से, वो MRF की टायर लिया था मैं और टायर हो गया आज 4-5 दिन हो गया आ गया है। उसको टायर को मैं खोल दिया था अभी आपको दिखाने के लिए, फिर दूसरी बार पैकिंग किया और अभी देखते हैं खोल के। और ये मेरा जो लिखा हुआ है सब वाइट कलर में, एक्चुअली वो वाइट कलर नहीं है, वो खाली लुक के लिए मैं खुद से पेंट किया हूँ पेंट मार्कर से। वो आप ढूंढोगे तो, अगर ढूंढने लगोगे ऐसे वाइट प्रिंटिंग में तो ऐसा नहीं मिलेगी। अभी टायर खोलते हैं और पूरी डिटेल्स लेते हैं टायर की और मैं डिटेल्स आपको जो भी है बता दूंगा। और आज मैं टायर भी चेंज करूंगा और मेरा जो टायर में व्हील में कलर करवानी है वो भी कलर करवाऊंगा। पहले वो खोल लेते हैं, रैपिंग किया हूँ मैं ही, वो गधा हूँ जो इतना रैपिंग करके रखा हूँ और खोलना ही मेरे को है, तकलीफ मेरे को अभी हो रहा है। ठीक है खुल गया, अभी देखते हैं इसका। लेकिन हाँ जितना भी कलर हुआ है सब मैं खुद से और खुद की पेंट मार्कर से किया हूँ और दूसरे से कंपनी से कुछ ही प्रिंटिंग नहीं था। अभी टायर की जो भी डिटेल्स है दिखाता हूँ इसमें। टायर की जो नंबर है 140-70-17 MC 66H ऐसा नंबर है और मेरा पीछे वाले टायर का नंबर सेम ही है। और मैंने पहले वाला भी MRF का ही लगा हुआ था और अभी भी मैं MRF का ही लगा रहा हूँ। पूरे टायर को आगे पीछे घुमा के साथ चारों तरफ मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बाइक पे चलते हैं और पीछे वाले व्हील को खोलते हैं। एक्चुअली मैं व्हील में खुद खोला था क्योंकि खोलना मुझे पता है और मैं खोल चुका हूँ बाइक का व्हील 2-4 बार क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसमें, मैं काम किया था। खोलना पता है, लगाना ही पता है, इसीलिए खोल के ले जाना है। और बाइक का 2 स्टैंड है नहीं जो दुकान के पास खड़ा करूँ। अभी मैं खुद खोल रहा हूँ और जो व्हील का रॉड है नट बोल्ट उसको खोलते हैं, फिर चक्का निकालते हैं। एक्चुअली बाइक डबल स्टैंड नहीं है इसीलिए मैं साइलेंसर के नीचे 3 ईंटें रखा हूँ और एक साइड व्हील अप करके रखा हूँ जो कि व्हील निकालना है। मेरे को पता नहीं था ऐसे होता है लेकिन एक्चुअली जो सर्विस सेंटर में वो लोग पीछे एक स्टैंड लगाते हैं वो मेरे पास है नहीं। अभी मैं खाली ईंट लगा के खोल रहा हूँ, अभी नट खुल गई, अभी बोल्ट निकालते हैं। और इसका जो भी खोलो, कोई खोले मेरा भाई, वो हमेशा चेन की जो नंबर सेट रहती है इसमें लाइनिंग होती है, लिमिट चेक करके रखना और दोनों लगाने के टाइम उसको याद करके ही लगाना क्योंकि बहुत तकलीफ होगी, फिर वन साइड हो जाएगी व्हील, उसको ध्यान में रखना हमेशा। और दोनों साइड नंबर मैच करके ही रखना, कभी इधर उधर मत करना नहीं तो बेयरिंग की प्रॉब्लम बहुत होगी। पहली बार में मेरा इस प्रॉब्लम हुआ था, मेरा बेयरिंग खराब ही हो गया था, मैंने फिर दूसरी बार बेयरिंग डलवाया जाके शोरूम से। अभी व्हील को निकालते हैं बाहर, थोड़ा चेन अड़ रहा था उस टाइम तो व्हील नहीं निकल पा रहा था। हाँ अब दोनों साइड दो बूस है, वो बूस को याद करना, एक साइड मोटा बूस है एक साइड पतला बूस है, दोनों को सही जगह पे लगाना लगाने के टाइम। अभी टायर व्हील को निकालते हैं, थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि चेन अड़ा हुआ था। और हाँ ब्रेक को सही से निकालना और सही से लगाना, अभी मेरा ब्रेक सही से निकला हुआ नहीं है। पहले वो चेन निकाल लेता हूँ सही से और उसके बाद मैं ब्रेक को निकाल देता हूँ। ट्राई करते हैं, पहले चक्का खींचते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर ब्रेक निकालनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेक निकलता नहीं, बहुत हार्ड होता है। और देखते हैं, रुको खोलते हैं
और खोल के एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी ब्रेक निकाल लेता हूँ। दोनों इधर का चेन भी अड़ा हुआ था और उधर का ब्रेक भी अड़ा हुआ था, तो तकलीफ़ बहुत हो रही थी। और तुमको वीडियो में दिख रहा होगा उधर से अभी ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक में निकाला नहीं, खुल गया ब्रेक। ब्रेक को सही से रखना और कोई ब्रेक प्रेस मत करना, क्योंकि अगर ब्रेक प्रेस करते हो ब्रेक को तो वो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी और सेट करने में बहुत तकलीफ होगी। तो ब्रेक को प्रेस मत करना जब तक तुम ब्रेक को डिस्प्लेट के ऊपर नहीं चढ़ाते हो। अभी चक्के निकाल के लेना है, कलर मारनी है, बहुत कुछ काम है। सारा सामान सही जगह सही तरीके से समेट कर रखना, एक भी चीज़ खोना नहीं चाहिए, खोना भी मत। और ध्यान रखना, जो भी खोलो बाहर करवा रहे तो ठीक है, और बाहर क्या करवानी, सिर्फ टायर चेंज करने के लिए आप बाहर लेके जाओगे, कलर करने के लिए बाहर अगर खुद सीख सकते हो तो बाहर लेके जाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हमारी चक्का तो खुल गई, सारी जो सामान है समेट लेते हैं। और मेरा जो दोस्त है मेरे रूम पे रहते हैं, सब मेरा हेल्प कर रहे थे और मेरे साथ कर रहे थे काम, जो भी हो मेरे को हेल्प कर रहे थे। और ये मेरा दोस्त है, हम दोनों काम करते, और एक दोस्त जो है मेरा वीडियो बना रहा था, और एक बूस वो दूसरी जगह गिर गया था इसलिए उसको उठाने के लिए बोल रहा था वो। और वीडियो में एंड तक रहना, और वो भी बताऊंगा कलर करने के लिए क्या क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी मैं टायर लेके मेरे रूम के पास आ गया, अभी दिखाता हूँ, देख लो कहाँ कहाँ मेरा कलर छूटा हुआ है। और मेरे को सारा पूरा का पूरा कलर करनी है, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था। अभी ये रैपिंग रोल से मैं मेरा डिस्क कवर करता हूँ, क्योंकि डिस्क कवर कलर गया तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो जो भी कलर निकलेगा छूट के सारे वो ब्रेक शू में लगेगी। तो ध्यान करके इसको कवर करना। और हाँ, स्प्रे कलर में लिया था, वो एब्रो कंपनी की है, स्प्रे पेंट है और यूएसए की कंपनी है। और कलर की जो नंबर है 6 नंबर है, और मैं ऑरेंज रेड का नंबर लाया था, 6 नंबर की ऑरेंज रेड कलर था। और जो डब्बे की प्राइस है, एक स्प्रे डब्बे की प्राइस है कुछ 150 160 ऐसा कुछ है। अभी कलर करते हैं, कलर देखते हैं कितना होता है। और हाँ, जब भी आप कलर करो, आपका मेरा टायर चेंज करना था इसलिए मैंने टायर को कवर नहीं किया। आप जब भी करो टायर को कवर करके करना, नहीं तो कलर छूटती नहीं है। टायर को कवर करना ही करना है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट टेप ले लो, पेपर चिपका दो, लेकिन टायर को कवर करके ही करना, क्योंकि बहुत गंदा दिखता है। मैं आगे वाला टायर का वीडियो बनाया था कवर करके, लेकिन एक्चुअली थोड़ा वो वीडियो मिस हो गया, वो दूसरे भाई के मोबाइल में बनाया था, मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था तो मैं कर नहीं पाया था, तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है। दिखा दूंगा पूरा फोटो, पूरा वीडियो दिखा दूंगा, अभी तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसका वीडियो है नहीं, दूसरी बार तो वीडियो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन फ़ोटो जो है मैं उसका दूसरा वीडियो बना के या बाइक का जो भी डिटेल्स है मैं जब दिखाऊंगा उसमें दिखा दूंगा क्या क्या है। अभी इसको पेंट कर लेते हैं, बहुत जगह काला पीला है, मतलब जो पहले का कलर था वो निकल गया था। अभी दूसरी बार कलर कर रहा हूँ, जो जहाँ ब्लैक दिख रहा है वो भी कवर करना पड़ रहा है। पीछे वाले में तो मेरे को उतना कलर करना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से कलर हो के रखा था। पीछे वाले में मेरा टोटल 300 350 जितना खर्चा हुआ, लेकिन आगे वाले टायर में मेरा 3 या 3 दवा वो स्प्रे ख़त्म हुआ था, मेरा कुछ 500 550 जितना खर्चा हुआ था, क्योंकि आगे वाला टायर मेरा व्हील मेरा पूरा ब्लैक कलर की थी और उसको पूरा का पूरा रेड करना पड़ा मुझे। लेकिन पीछे वाला पहले से था कलर, इसलिए कलर कम कलर में काम ख़त्म हो गया मेरा। अभी जो मेरा कलर है उसमें स्टिकरिंग भी करनी है, जब भी स्टिकरिंग करने जाऊंगा तब दिखा दूंगा आपको स्टिकरिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है। एक्चुअली मैं बाइक गुजरात से घर लेके जाने वाला हूँ, घर जाके ही करूँगा, यहाँ पे पता नहीं चलता कहाँ पे क्या है और स्टिकरिंग का कॉस्ट क्या है। ओडिशा में जाऊँगा तो मैं दिखा दूँगा आपको सब कुछ, कितना खर्चा होता है स्टिकरिंग में। बाइक में बहुत कुछ स्टिकरिंग करने वाला हूँ, खुद से सोचा हूँ, दूसरे से नहीं किया हूँ और दूसरे से पूछा भी नहीं हूँ, खुद से जो भी स्टिकरिंग करने का सोचा हूँ वो भी करूँगा, वो भी दिखा दूँगा आपको।
फिलहाल तो कलर पूरा करते हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ कलर गैप है और कहीं भी मतलब ब्लैक दिख रहा है, सब कवर करनी है और उसके बाद व्हील को लेके जानी है, टायर चेंज करनी है, कलर पूरा कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा इसको सुखा के छोड़ देते हैं और उसके बाद चलते हैं वहाँ पे रख दुकान है रूम के पास ही जहाँ पे टायर चेंज होता है और वहाँ पे चेंज करवा के लाते हैं। और वहाँ पे मैं पूछ के आया था, टायर चेंज टोटल बोल रहा था अगर मैं व्हील खोलूँगा तो 250 रुपया लूँगा टायर चेंज करवाने के साथ, लेकिन वो मेरा व्हील खोलना मेरे को पता है, वहाँ पे लेके जाता हूँ, ऐसे कुछ जुगाड़ से खोलते वो लोग, इसीलिए मैं मेरा खुद के सेफ्टी से मैं घर पे मेरा खुद के रिस्क से काम किया और रूम पे ही खोला। रूम खोलने के बाद मैं व्हील लेके गया था वहाँ पे, दोस्त की एक बाइक थी उसमें लेके गया था, रूम से कुछ 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है वो उनका दुकान, वहाँ पे लेके गया था मैं। और अभी कलर पूरा करते हैं तो वहाँ पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे बता दूँगा। अभी कलर मारने के टाइम देख रहे हो टायर के ऊपर कितना चिपक रहा है, अभी मेरा टायर चेंज करना है इसीलिए मैं कभी किया नहीं। और हाँ, मेरे टायर में बहुत सारे लीक हैं, दिखा दूंगा कितने लीक है, कम से कम 22-20 के आसपास लीक था और हर लीक में लीकेज करता है। 15 दिन में मेरे को एक बार प्रेशर भरवानी पड़ रही थी तो चेंज करना, मैं सही समझा चेंज कर ही लेता हूँ, मेरे को नहीं पता था। जब मैं एक दिन बाइक धो रहा था टायर को देखा तो बहुत सारी लीक थी और पंक्चर मारा हुआ था। अभी कलर पूरा करके और चलते हैं वहाँ पे दुकान पे, दिखा दूंगा कैसे चेंज होता है, वहाँ पे मैं चेंज भी किया हूँ और वो काम पूरा मेरे सामने ही हुआ है। ये देख लो मेरा नया और पुराना टायर, अभी चलते हैं दुकान में और वहाँ पे चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। सुखाने के लिए अभी थोड़ा छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आ गए दुकान पे, अभी चेंज करना है वो लोग, भाई मेरा टायर चेंज कर रहे हैं। पिछला वीडियो में बनाने के बाद देखा था वो मेरा माइक से कुछ आवाज़ आती है, जैसे मच्छर भीने बिना ऐसे कूं करके आवाज़ आती है, पता नहीं माइक में क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दूसरी माइक लेनी पड़ेगी। हाँ, और एक भाई ध्यान रख, बहुत ध्यान रखना, मैं टायर लेके आया ना यहाँ पे, ये जो काम कर रहे थे इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जो टायर को नीचे रख रहे थे यहाँ पे मशीन में लगा रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम इतनी सारी हो रही थी, मेरा कलर छूट रहा था और तकलीफ़ बहुत हो रही थी। और क्या करूँ, टायर चेंज करवाना ही है, जो कर रहे हैं उनको करने दो। और मैं कलर भी थोड़ा बचा के रखा था, मेरे को पता ही था ऐसा कुछ होगा इसलिए मैं थोड़ा कलर बचा के रखा था। अभी जाके मेरे को फिर दूसरी बार मारनी पड़ेगी, मतलब मेरे को मारना ही पड़ा था दूसरी बार। अभी इनका काम जो भी है पूरा करने दो और देखते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि अभी से जब खोल रहे थे नीचे डाल के तब से ही दिख रहा था कितना डैमेज हुआ है कलर में। अभी टायर चेंज हो जाए उसके बाद चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है। और हाँ, वीडियो बनाने में पता नहीं वो मेरा एडिटिंग ऐप में क्या है, अभी प्रॉब्लम बहुत कर रहा है वीडियो एडिटिंग करने में, पहले तो हो रहा था अभी, लेकिन कुछ मोबाइल में वीडियो बनाया था वो भी क्लियर नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा रुक रुक के चलता है, हर बार वीडियो कंप्रेस करने के लिए नोटिफिकेशन आता है। अभी मेरा वो दूसरा टायर है उसको डालने, पुराना वाला निकाल दिया, अभी ये वाले टायर डाल रहे हैं, वो टायर लगा के देखते हैं और पूरा टायर वो लगा देते हैं, तब उसके बाद बात बात क्या करेंगे, अभी बात करते हैं तब क्या बात करेंगे। अभी टायर वो लगा रहे हैं अंदर, पहले स्टेप तो अंदर चला गया, अभी दूसरे ऊपर वाला स्टेप को नीचे करनी है, देखते हैं वीडियो पूरा। और एक चीज़ वो भी ध्यान रखना टायर चेंज करने के टाइम, वो मेरे को नहीं पता कौन सा, मेरा पहली बार ये है जब टायर चेंज कर रहे थे, वो तो शैम्पू की पानी रखे थे साइड में लगा के स्प्रे, मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ ग्लू होगा जो लगा के उसके बाद टायर सेट करेंगे, अभी तो ऐसे रख दिए, अभी शैम्पू की पानी रखे थे एक बोतल में ऐसे लगा के और प्रेशर फील कर दिए और प्रेशर फील हो गया और मेरा टायर भी चेंज हो गया, वहाँ से हम निकल के आ गए। अभी मेरा टायर का लुक देख सकते हो आप, अभी वीडियो ख़त्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट कभी वीडियो बना के बात करेंगे हम लोग। जय जगन्नाथ।